हैं बात उत्तर प्रदेश की, एक बार प्रयागराज की करते हैं क्योंकि यहां एक हत्याकांड ने हड़कंप मचाया है। 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी है। दंपति, 2 बच्चे और एक अन्य शख्स की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट खबर। शहरात और पूरा परिवार खत्म, दादा से लेकर पोते तक की खौफनाक हत्या। एक एक कर घर में 5 लोगों का बहा खून। प्रयागराज में फिर से रक्त चरित्र। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं, लेकिन सच तो ये है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ी वारदात दस्तक दे ही जाती है। और ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना शनिवार रात प्रयागराज में हुई। यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों में 3 और 7 साल के 2 बच्चे भी हैं। रूह को थर्रा देने वाली ये वारदात गंगापार के सोराओं की है। मृतकों में परिवार का मुखिया, उनके बेटे बहू और 2 पोते। वारदात से गांव में तनाव है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये सोनू तिवारी जी हैं और उनके पिता हैं और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों का मर्डर हुआ है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मर्डर है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सही गैंग है उसको हम वर्कआउट करें। ये हत्या घर के जो सामान है उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, कोई फायर आर्म या कोई ऐसा वेपन नहीं पता चल रहा है। घर के जो सामान है, लोहे के सामान है, चाहे सिल बट्टे या और सामानों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी की हत्या धारदार हथियार से की गई। रविवार सुबह जब देर तक परिवार के लोग बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को अनहोनी का अंदेशा हुआ और जब पड़ोसी घर में घुसे तो सभी के शव खून से लथपथ पड़े थे। वारदात के बाद से ही पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया है। किसी को भी घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। घर का मेन दरवाजा बंद था, ऐसे में हत्यारे पीछे वाले गेट से घर में घुसे होंगे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हत्या की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हत्या के पीछे जमीन विवाद नहीं लग रहा क्योंकि परिवार के पास ज्यादा जमीन नहीं है। ऐसे में आपसी रंजिश की ओर शक किस हुई है। पुलिस हत्या की तफ्तीश में जुटी है। अब जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होते तब तक इस हत्याकांड की गूंज सुनाई देती रहेगी। प्रयागराज से R9 TV के लिए सुहेब रिजवी।